सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आइए हम लोग इस विषय में राधाष्टमी के विषय में चर्चा करेंगे, कैसे हम इस दिन के महत्व को समझें। आपको बता दें, भगवान श्री कृष्ण की प्राण प्रिया सर्वेश्वरी राधा रानी का प्राकट्य दिवस राधाष्टमी महोत्सव जो है वो 23 सितंबर को है। 23 सितंबर को हम लोग राधाष्टमी का पावन महोत्सव मनाएंगे। देखिए, राजा स्वच्छंद और रानी कलावती ने सर्वेश्वरी राधा रानी की तपस्या की थी और उनको ये वरदान मांगा था उन्होंने राधा रानी से कि हम आप जैसी पुत्री चाहते हैं। तो किशोरी जी ने कहा, जो नित्य गोलोक वासिनी है, नित्य रास विलासिनी है, उन्होंने कहा था कि मेरे जैसी कन्या कहाँ होगी, मैं स्वयं आपकी पुत्री आकर बनूंगी। तो अपने वचन को सार्थक करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को पूर्ण करने के लिए सर्वेश्वरी राधा रानी कमल के पुष्प पे एक कन्या के रूप में वृषभानंद जी को प्राप्त हुई और वो प्राकट्य दिवस 23 तारीख को है। मान्यता ऐसी है कि जो लोग कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उन सभी लोगों को राधाष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्णम राधा स्वरूपिनम, युगल पूजन करने वाले लोगों के लिए, युगल उपासना करने वाले के लिए राधा रानी। वृंदावन में आप जाएंगे तो राधा रानी के विषय में हम कितना बोलें, जितना बोलेंगे उतना कम है। कहते हैं जो राधा रानी का ये व्रत करते हैं, राधाष्टमी का व्रत करते हैं, राधा रानी का पूजन करते हैं, इस दिन पूजन युगल सरकार का पूजन होगा, लक्ष्मी पूजन भी कर सकते हैं, बहुत सुंदर योग बन रहे हैं। एक और चीज बता दें, जिन्हें कृष्ण प्राप्ति की ललक हो और जिन्हें एनी हाउ भगवान श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा हो, उन लोगों को राधाष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी का फल बहुत फल देता है, बहुत बड़ा जो व्रत है वो बहुत बड़ा है, लेकिन राधाष्टमी आप तो जानते हैं राधा रानी कितनी दयालु है। तो हम सभी को राधाष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए और कुछ शुभ योग बन रहे हैं राधाष्टमी के दिन। कितने ऐसे शुभ योग हैं जिनमें पूजन करेंगे तो बहुत बड़ा फल उस दिन मिलेगा। राधाष्टमी तिथि पर पूरे दिन उस समय रवि योग रहेगा, सोमन योग रात के 9 बजे से अगले दिन तक रहेगा, वहीं सौभाग्य योग 22 सितंबर की रात के 11:52 से प्रारंभ होगा और 23 सितंबर रात के 9:23 तक चलेगा। तो ये वो सारे शुभ योग हैं जिन योग में पूजा करने से, भजन करने से, आराधना करने से, कोई यात्रा करने से, तीर्थ यात्रा करने से, दान पुण्य करने से कई गुना ज्यादा फल मिलता है। तो मैं तो एक ही निवेदन करूंगा, उस दिन आप राधाष्टमी का व्रत कीजिए, मध्यान्ह 12 बजे सर्वेश्वरी राधा रानी का, वैसे ब्रह्म मुहूर्त में सर्वेश्वरी राधा रानी का प्रकट हुआ है, जब वृषभानंद जी स्नान करने गए थे तो कमल के पुष्प उस समय उनको मिली थी। तो ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठ सकें तो उठकर स्नान करें और सर्वेश्वरी राधा रानी युगल सरकार का पूजन करें और जो भी भजन जाप तप दान पुण्य करेंगे उसका लाखों गुना फल आपको राधाष्टमी के दिन मिलेगा। तो राधा रानी की बधाइयों में सम्मिलित हुई, घर घर में अपने राधा रानी के प्राकट का उत्सव मनाइए। राधा रानी सर्वेश्वरी महारानी आपके सभी मनोरथ पूर्ण करें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। 23 सितंबर को हम लोग राधाष्टमी उत्सव मनाएंगे। राधे राधे।